इट्स अ सेकेंड डे इन हिमाचल एंड आज है कृतिका की मेहंदी और संगीत. तो मैं आपको लेके चलती हूँ, उसकी मेहंदी स्टार्ट हो गई है. एक्चुअली मेहंदी घर पे लग रही है एंड संगीत फिर हम उसके लिए शाम को जाएंगे. आपको उसके पास लेके चलती हूँ, अभी वो उसकी मेहंदी लग रही है. लेट्स गो. हाँ, क्या हुआ, क्या बोल रही थी? कुछ मोबाइल नीचे दिखने के लिए, छोटी सी कोई आसन टाइप होना. भैया नीचे ना बढ़िया है आवाज. बढ़िया हो, क्या नाम है आपका? दिनेश. दिनेश, मोना ने सफाई होगी और गंदा मुंह लूंगा. ले क्या हाल चाल है? मेहंदी हो रही है, तेरी शादी है कल. दिया दिया नहीं दिया, मैं फंस गया दीदी. मैं आ रहा था बट मैं फंस गया. बंदे ने कल मयूर को बहुत बुरा धोखा दिया. हां तो वो बता. मयूर मुझे दिखाओ. मयूर बहुत ज्यादा इतने पास पे लेके क्या गया. मयूर बहुत ज्यादा हर्ट है इस लड़की की वजह से. कल मयूर ना तो स्नो देख पाया है ना ही कल तो स्नो वैसे भी पी पाया है. शीशा की भी ना ही गुस्से में. अच्छा ना ही मयूर क्या? अच्छा ना ही मयूर कहीं जा पाया है. जाने वाने का नहीं है, इसको आना चाहिए था ना. 20 दिन 22 दिन एक महीना मेरे साथ रह के गया है. मेरे को टाइमिंग कंफर्म कर देना. टाइमिंग का कोई सीन तो नहीं है? मैच देखने जाना है, मिलने जाना है? मैच देख ग्राउंड देखने चलेंगे. ठीक है, मिल नहीं सकते ना? मिलते 4 बजे के बाद लेंगे. अच्छा ठीक है, दोपहर का नहीं, 4 बजे नहीं, मेरे को अर्ली जाना. हाँ क्या है, इतना परेशान किस लिए? अरे धूप बहुत हो रही है यार. कब धूप भी चाहिए, ठंड भी चाहिए, थोड़ा रुक. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लग रहा है? ठंड नहीं लग रही? बट मेरी टाइम में धूप चली गई यार, तो सुखाऊंगी कैसे? फूक मार के. ठंड अलग. और नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, आप ही अच्छा लगता है. ये देखो बहस कर रही है. मैं बोल रही हूँ कि पूरा लगा दो. भैया बोल रहे हैं आप अच्छा लगेगा. यू ट्रस्ट भैया? ओके चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं एक देसी जुगाड़. और ये है हमारी देसी जुगाड़. बोला था ना मैंने. दिस इज बैड. मैं मजाक कर रहा था. बोलो. ये मेरा देसी जुगाड़ है, देख सकते हो आप. मैंने कैसे ब्लैंकेट और तकिए को, और ये देखो अभी मैं संगीत के लिए रहती हो रही हूँ. ये तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ने वाली है जानबूझ के. मम्मी जी ऐसे रहती हो रही है. हाँ. यही बेटी ऐसे रहती हो रही है और बेटी ऐसे रहती हो रही है. तो क्या सीन है? बस क्या है, अभी हम रेडी हो रहे हैं. अभी संगीत है, हमने मेहंदी लगा ली है. वैसे अब देख सकते हैं मेहंदी, ये देखो. Are you guys ready? Are you guys ready for the संगीत? तो हम लोग तैयार हो गए संगीत के लिए और हम लोग अब निकलेंगे 10-15 मिनट में. बहुत ठंड है बाहर, ऑलमोस्ट 5-6 डिग्री है. और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो और भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है. 2 डिग्री है वहाँ पे. कितना है भाई? 2 डिग्री है वहाँ पे. ये वहीं से आ रहा है. तो यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 2 है. मतलब आपको कपड़े देख के क्या है कि हमको ठंड लगती है नहीं, ज्यादा नहीं लगती है भाई. दो दो थर्मल मांग रहे हैं. मतलब हद होती है, एक थर्मल इंसान को इनफ होता है. तो थर्मल है वैसे दो. दो तो मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद.
और जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड में रहिए, बाय बाय। तो कोइंसिडेंस ये था कि मेरे बर्थडे पे कृतिका की मेहंदी और संगीत थी एंड मेरा जो केक कटिंग हुआ था वो उसके संगीत पे हुआ था एंड दैट वाज कम्प्लीटली अ सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मेरा केक कट होने वाला है एंड मैं सुबह से ना बहुत ही उस मूड में थी कि यार मेरा बर्थडे और मेरा केक कट नहीं हुआ सो दैट वाज कम्प्लीटली अ सरप्राइज फ्रॉम आकाश एंड कृतिका और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज बहुत टाइम बाद मेरे बर्थडे पे मेरी मॉम मेरी मासी मयूर सब लोग हम लोग एक साथ थे एंड कृतिका और आकाश का संगीत था तो आई वाज रियली रियली हैप्पी एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे जैसे रौनित था आकाश था तो आई वाज सो हैप्पी कि मेरा बर्थडे सबके बीच में मना एंड गाइस थैंक यू सो मच आकाश कृतिका Yeah.